राजौरी के मुंछ में आतंकवादी हमले में शहीद हुए भारत के वीर सपूतों को भरवेली के युवाओं ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर पाकिस्तान का पुतला दहन भी किया। राजौरी के पुंछ में पाकिस्तान की कायराना हरकत में भारत के 5 जवान शहीद हो गए थे। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भरवेली के युवाओं के द्वारा कैंडल मार्च निकालकर भरवेली माइल गेट से भरवेली का भ्रमण कर स्टेट बैंक के सामने कैंडल जलाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। ग्राइंड भारत टीवी से बात करते हुए युवाओं ने बताया कि भारत के शहीद हुए वीर सपूतों के परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे और सरकार से मांग की कि देश में आतंकवादी हमले व आतंकवाद फैला रहे आतंकवादी देश में अशांति का माहौल बना रहे हैं, इससे रोक लगाई जाए और शहीद हो रहे वीर जवानों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया जाए। वंदे मातरम, बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। वीर शहीदों की जय। कल अचानक राजौरी में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें हमारे भारत देश के 5 वीर जवान शहीद हो गए हैं, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे युवा एकत्रित होकर आज माता सपूत के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख से उभरने की शक्ति प्रदान करें। ये मांग करना चाहेंगे, आजकल देखा गया जम्मू कश्मीर में इतनी आत्मघाती घटनाएं और आतंकवाद फैलते जा रहे हैं जिससे पूरे भारत देश में आक्रोश है, युवा खासकर बहुत आक्रोशित हैं। तो मैं सरकार से यही मांग करना चाहूँगा कि जो आत्मघाती हमले और आतंकवादी हमले हमारे देश में हो रहे हैं तो उसमें रोक लगाई जाए और जो हमारे वीर जवान शहीद हो जाते हैं बॉर्डर में उनकी सुरक्षा को लेकर उचित कदम उठाया जाए जिससे देश में शांति का वातावरण बना रहे। ग्राइंड भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।